हेलो दोस्तों, आज हम एक कढ़ी बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं कि अंडा कढ़ी कैसे बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले उबला उबला हुआ अंडा, कटा प्याज, प्याज ले लिए हैं, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लिए हैं, ज़्यादा यूज नहीं किए हैं। तीन उबला हुआ अंडा लिए हैं, इसको जो है उबाल के रख लिए हैं। इसके बाद अंडा को जो है हम इसमें काट लिए हैं चाकू से, देख लीजिए उस तरह से काट दिए हैं चाकू से। ताकि अब कढ़ाई रखें, इसमें तेल जब गर्म हो जाए तब अंडा को डालें, अंडा डालिए और इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर अच्छा नहीं हो जाए, भूरा टाइप का, थोड़ा सुनहरा गोल्डन का हो जाएगा। इसमें नमक दे रहे हैं कि जब अंडा फूटता नहीं है। इस तरह से अंडा को फ्राई करेंगे। ये अंडा देखिए अच्छा से फ्राई हो रहा है, इसको थोड़ा पलटेंगे भी जिससे कि अच्छा से ये फ्राई हो जाए, गोल्डन कलर का थोड़ा हो जाए। जब अच्छा से फ्राई, थोड़ा अंडा को भूजते समय एक सावधानी ज़रूरी है, ये फूटने का डर रहता है, इसलिए आप इसे दूरी बनाए रहिए। जब जब अंडा फ्राई हो जाता है, इसमें प्याज डालते हैं और हरी मिर्च और जो अदरक कटा हुआ था सब डाल देते हैं इसमें, और इसको देखिए सब डाल रहे हैं। इसमें जो है हल्दी दे देते हैं, छोटा चम्मच है इसलिए हम 1.5 चम्मच दे रहे हैं, और उसके बाद नमक दे देंगे इसमें, और इस नमक दे देते हैं अपना स्वाद अनुसार, पहले भी दिए थे और बाद में थोड़ा दे देते हैं। इसको मिला के कुछ देर के लिए इसको ढक देंगे, मिला के 5 मिनट के लिए। उसके बाद ओपन करेंगे इसको, फिर जो है इसमें टमाटर डाल देते हैं, टमाटर दे के मिला के इसको जो है मिलाएंगे, और यदि आप चाहते हैं तो फिर भी ढक सकते हैं, इसको चलाते रहेंगे। इससे क्या है, और इसमें मसाला दे देते हैं, देखिए मीट का मसाला है, थोड़ा सा मीट मसाला डाल दिए, और जो है इसमें थोड़ा सा हम यूज करेंगे गरम मसाला, गरम मसाले थोड़ा सा देते हैं, इससे टेस्ट बढ़ता है। इसको जो मिलाएंगे और जो है चलाएंगे थोड़ा देर, इसको मिलाएंगे अच्छा से, मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम इसको देखिए कैसे लग रहा है दिखने में, अच्छा से मिल गया है। हीट को रखेंगे मीडियम में और इसको अच्छा से बनाएंगे। इस तरह से आपका जब ये बन जाएगा, इसमें पानी दे देंगे अपना पसंद से, जितना ग्रेवी चाहिए उसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी देंगे, जो कि इसको ढक देंगे और पानी दे के कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए ढकते हैं। इससे क्या, मसाला अच्छा से पक जाएगा, पानी और जो भी प्याज है वो अच्छा से गल जाएगा। उसके बाद देखिए इस तरह से 5 मिनट के बाद निकालें, इसको चलाते हैं इसे इस तरह से, जो है आप इसमें भुजा हुआ अंडा डाल देते हैं और मिलाते हैं। यदि आप इसमें और कुछ धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, फिलहाल हम अभी नहीं डाले हैं। इस तरह से आपका ये अंडा कढ़ी तैयार हो गया। हीट को कम कर देंगे और जो है अब खाना निकालेंगे। देखिए हम चावल पहले बना लिए थे और अब अंडे को एक प्लेट में सजा लेते हैं। देखिए अंडा कढ़ी जो है ये मेरा बन के तैयार है, इसमें सजा लिए और हम जो है ये प्लेट में मेरा अंडा तैयार है। कितना अच्छा लग रहा है, सिंपल। और ये मेरा चावल है, राइस जो है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये सलाद में खीरा। इस तरह से मेरा अंडा कढ़ी तैयार, आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।